रियल फ्लेवर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेश गाजरी। शाम यानी सीरिया में तानाशाह बशर अल असद के कहर से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए कनाडा ने आवाज बुलंद की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि इसमें कोई शक नहीं कि सीरिया में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए कनाडा कम से कम 25,000 लोगों को अपनी नागरिकता देगा और उन्हें कनाडा में आम लोगों की तरह अच्छी जिंदगी गुजारने का हर मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि कनाडा अमन और शांति में दुनिया में 10वें नंबर पर आता है और ये घोषणा कर कनाडा ने अमन और शांति का पैगाम दिया है। सीरिया में बेकसूर लोगों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया भर में मानवीय अधिकारों और लोकतांत्रिक सिस्टम स्थापित करने के नाम पर निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने वाले देशों के मुंह पर तमाचा मारा है। मुसोलिनी, हिटलर, स्टालिन के बाद बड़े तानाशाह के रूप में उभर रहा सीरिया का राष्ट्रपति बशर अल असद, जहां अपनी विरासती सत्ता को बचाने के लिए रूस और ईरान के साथ मिलकर बेगुनाह सीरियाई लोगों को मारने पर तुला है, वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा कर दी है कि वो अपने देश में कम से कम 25,000 सीरियाई लोगों को नागरिकता देकर खुशहाल जिंदगी गुजारने का मौका देंगे। कनाडा के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि इस फैसले ने दुनिया को इंसानियत की मदद करने का एक नया रास्ता दिखाया है। जहां एक तरफ दुनिया के अमीर तरीन देश ऐसा करने का हौसला ना दिखा सके, वहीं कनाडा, जिसके बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था, ने सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि सीरिया में बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे आम लोगों पर इस तरह से हवाई हमले किए जा रहे हैं कि कुछ ही पलों में इमारतें तबाह हो रही हैं। इस बर्बादी में सीरिया का तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल असद, रूस, ईरान, अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब शामिल हैं। सीरिया, जिसको कश्मीर के बाद दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कहा गया है, कि खूबसूरत इमारतें दिन ब दिन खंडरों में बदल रही हैं और लोग लगातार मर रहे हैं या फिर अपाहज होते जा रहे हैं। दुनिया में इंसानियत अभी जिंदा है और कई लोग धर्म और जात पात से ऊपर उठकर मानवता के हक में ना सिर्फ खुलकर बोल रहे हैं बल्कि दौलत को ठोकर भी मार रहे हैं। मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो ने पेप्सी का करोड़ों रुपए का विज्ञापन ये कहकर ठुकरा दिया कि वो हरगिज उस कंपनी का विज्ञापन नहीं करेंगे जो बेगुनाहों को मारने वाले देश इजराइल की सेना को चंदा देती है। कई लोग स्वाद और पैसे के लिए जीते हैं और स्वाद और दौलत के लिए मरते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर इंसानियत के रास्ते पर चलते हैं। दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो ने पेप्सी का करोड़ों रुपए का विज्ञापन ये कहकर ठुकरा दिया कि वो उस कंपनी का विज्ञापन नहीं कर सकते जो लाखों बेगुनाह लोगों को मारने वाले देश इजराइल की आर्मी को चंदा देती है। साथ ही रोनाल्डो ने ये वीडियो सीरिया के बच्चों के लिए भी बनाकर पोस्ट किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि असली हीरो सीरिया के बच्चे हैं जो इतने जुल्म सह कर भी जी रहे हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जो बेगुनाह बच्चों की सपोर्ट में पोस्ट भी नहीं कर सकते। Hello, this is for children of Syria. We know that you have been suffering a lot. I am a very famous player, but you are the true heroes. Don't lose your hope. The world is with you. We care about you. I am with you. इसी के साथ ही रोनाल्डो ने एक इजरायली के साथ अपनी टी शर्ट बदलने से भी इनकार कर दिया। उसने कहा वो कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना टी शर्ट नहीं बदल सकता जिसका हाथ खून से रंगा हो। रोनाल्डो ने पेप्सी का विज्ञापन ठुकराकर दुनिया को ऐसे देशों का विरोध करने का रास्ता दिखाया है जो मानवता को चोट पहुंचाते हैं।
आपको बता दें कि पेप्सी और कोक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो महज चंद पैसे में अपने प्रोडक्ट तैयार करती हैं और महंगे दामों पर बेचती हैं। इस पानी से इकट्ठे हुए पैसे से दुनिया भर में अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। क्या आप भी पेप्सी या इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनियों का बायकॉट कर सकते हैं? जुल्म के खिलाफ अगर और कुछ नहीं तो ऐसा तो किया ही जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें रियल फ्लेवर न्यूज़।